हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी का वीडियो है, दिस पाकिस्तानी गाय मेक्स फन ऑफ इंडिया। ओरे बाप रे यार, इसकी बड़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज जाके शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान, ये सुन के तुम्हें क्या याद आता है? नहीं भाई, बॉम की बात नहीं कर रहा, फनी इंग्लिश। मॉम इज मी हियर, मेरे पास माँ है। खाने पीने के ऊपर लड़ाई, शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल, सिक्योरिटी कंसर्न्स। पर अगर मैं कहूँ कि अब पाकिस्तान से स्किन एक्सपर्ट्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड डर्मेटोलॉजिस्ट भी इंटरनेट पे आ गए हैं, तो क्या तुम्हें भरोसा होगा? नहीं, क्योंकि इस काम के लिए चाहिए डिग्री, और डिग्री के लिए चाहिए कॉलेज, और कॉलेज तो पाकिस्तान में कितने तुम्हें पता ही है। शोएब बेटे, कल क्लास में जो असाइनमेंट दिया था वो करके लाए हो? जी सर, बना के लाए हैं ना, हैंडमेड ग्रेनेड। आज इंडिया चंडीगढ़ से मुझे इस मैडम का मैसेज आया और अपनी तस्वीर दिखाते हुए बोली कि स्मेली गर्दन का कुछ करो। कहने लगी मेरी गर्दन पे बहुत ही ज्यादा मैल जम चुका है और ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये बंदा पाकिस्तानी इंस्टाग्राम स्किन एक्सपर्ट है, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी पीड़ित है वो सारे इंडियन हिंदू है। एक हफ्ते पहले मुझे महाराष्ट्र से एक भाई का मैसेज आया, तीन दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया। आज फोन पे अपने हिंदुस्तानी गुरु जी से बात कर रहा, पता नहीं इंडिया बिहार से मुझे इंडिया में ना तो स्किन के एक्सपर्ट्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना क्लिनिक है, ना कोई ट्रीटमेंट है, ना किसी को पता। और जिसको भी इंडिया में स्किन की कोई दिक्कत होती है वो सीधा इंटरनेट के सबसे बड़े डॉक्टर यानी आपके पास पहुंच जाता है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज तो लाहौर कॉलेज ऑफ अलबसड़ से है। वैसे देखो, कॉन्फिडेंस तो चाहिए नहीं स्किन के ऊपर टिप्स देने के लिए, नहीं खुद के ऊपर 75 फिल्टर लगाने के बाद दूसरों को स्किन के ऊपर टिप्स देने के लिए। भाई पहले जाके अपने रमीज राजा और उमर अकमल को ग्रूम कर ले। तीन दिन पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। यार आज एक भाई ने मुझे इंडिया से मैसेज किया, नमस्कार भैया, मेरी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, मेरी स्किन इतनी ऑयली है कि कल रात को मेरी माता श्री मेरी शक्ल के ऊपर ऑमलेट फ्राई करने लगी। हाँ भाई, इंटरनेट से रैंडम इंडियंस की फोटोज उठा के उस पे फेक सस्ती एडिटिंग मार के फोटी शेम कर देता हूँ। इंडिया के नाम पे अम्मी अब्बू को दो टाइम की रोटी मिल जाएगी और मुझे मिल जाएगी। ये बेचारा इंटरनेट पे पिछले 4 साल से घिस रहा था, पहले मॉडल बनना चाहता था, पर ऑफलाइन मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में फेस पे फिल्टर तो लगा नहीं सकते। उसके बाद भाई ने बॉडी बिल्डिंग ट्राई की, लेकिन पाकिस्तान के पीएम खुद चाइना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो देश में प्रोटीन के डब्बे लाए कहां से। तो इसीलिए भाई को शोएब अख्तर की ट्रिक पता चली इंडिया के नाम पे व्यूज लेने की। पर पाकिस्तानी आवाम के बीच में अगर इंडिया की तारीफ करेंगे तो इन्हें पता ही है कंटेंट कितना चलेगा। तो इन्होंने पकड़ लिया दूसरा रास्ता, मतलब कि इनका वो वाला हाल था कि लेना भी है पर पूरा नहीं लेना। और भाई सिर्फ स्किन एक्सपर्ट ही नहीं है बल्कि रिलेशनशिप काउंसलर भी है। इंडिया नीड हेल्प। अगर मेरी ये वीडियो इंडिया से कोई इस वक्त देख रहा है तो मुझे अर्जेंटली आपकी एक हेल्प चाहिए। 20-30 मिनट पहले मुझे एक इंडिया से एक खातून का मैसेज आया और वो मैसेज कुछ इस तरह से था, हाँ ब्रो डीपी में शिवजी लगा दिए हैं, हाँ अब तो पक्का पूरा इंडियन ही लगेगा, और साथ ही साथ लगे आप भगवान की भी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन भाई नकल को भी ना अकल चाहिए होती है। जैसे तूने इस चैट में से और बेटे लिखा है ना, ये एक्सेंट और लिखावट दोनों पाकिस्तान की है, क्योंकि वहां पे लोग बोलते ऐसे हैं, से बीएचए। लेकिन अच्छा है, ये भी सही है, फेक आईडी से खुद को इतनी तवज्जो दे देनी। ये मेरे जो शोर है वो बीमार है, उनका कोई खास काम भी नहीं है, और मैंने जो है ना अपने बच्चों की फीस देनी है, मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे वीजा और मास्टर कार्ड का अकाउंट नंबर और जिस बैंक से वो बने हैं उसकी डिटेल वगैरह आप भेज दें, मैं कर देता हूँ ट्रांसफर। पाकिस कहने लगी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे पास वो है पे टाइम PAYTM, ये स्पेलिंग थे उसके। उधर तेरे मामे चाचे इंडियंस को व्हाट्सएप पे KBC लॉटरी के स्कैम करने का ट्राई करते रहते हैं, इधर तू पे टाइम PAYTM वो है पे टाइम। नमस्कार सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका 5 करोड़ का लॉटरी लगा है, मैं मुंबई हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि भैया व्हाट्सएप पे ऊपर ही कंट्री कोड लिखा हुआ होता है साफ साफ, प्राइमरी एजुकेशन इसीलिए जरूरी है, लेकिन तुम तो प्राइमरी स्कूल ही नहीं चलने देते। बच्चों आज की इस डर्मेटोलॉजी की क्लास में हम आपको बताएंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में। अब हमारे मुल्क से भी अच्छे अच्छे स्किन डॉक्टर निकलेंगे। कुछ नहीं करना है, अपने क्लाइंट को पिंपल होने पे आपको बताना है कि थोड़ा सा आटा लेके आटा मिल गया, अम्मी रात की रोटी का जुगाड़ हो गया। अजीब गरीब मुल्क है भैया। कोई नहीं बच्चों, अब हम जो है मिट्टी से पिंपल ठीक करने वाले नुस्खे बता देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं इस न्यू ईयर 2023 पे इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप MPL आपके लिए लाया है, ग्रैंड न्यू जीरो से हीरो गोल्ड फेस्ट। अब क्या है ये जीरो से हीरो गोल्ड फेस्ट? जनवरी के महीने में MPL पे 0 पैसों में खेलो लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स जैसे बहुत सारे गेम्स, और कैश प्राइज जीतने के साथ साथ जीतो गोल्ड भी। यस, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स जैसे सिंपल गेम्स खेलो जीरो एंट्री में, नॉकआउट गेम्स एंड
लीडर बोर्ड खेल के जीतो 1 kg तक का गोल्ड और 3 crore रुपए तक की डेली कैश विनिंग्स भी। सो इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा? सो डाउनलोड करो MPL प्रो ऐप, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड मेरा कूपन कोड लक्ष्य गोल्ड यूज करने पे आपको मिलेगा 20,000 तक के रिवॉर्ड्स एंड मिशंस। अभी तो और सुनो यार, इस जीरो से हीरो गोल्ड फेस्ट में आप लूडो खेल के नाइट डबल विनिंग जीतोगे, वो वापस पाओगे। सो इस गोल्ड फेस्ट पे भाई एकदम बेफिकर होके खेलो अपने फेवरेट गेम। गो एंड चेक आउट MPL प्रो ऐप। मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्टफोन का जो है ना शौकीन हूँ। इनफैक्ट मेरे पास इस वक्त 3 स्मार्टफोन है, जिनमें से 2 एप्पल और 1 सैमसंग है। पहले मेरे चेहरे पर इतने रिंकल्स होते थे जिसकी वजह से मैं 20 साल की उम्र में ही 40 का दिखता था, और इतना ही नहीं, दिनों मेरे लिए एक 40 साल की औरत का रिश्ता भी आ गया। अरे भाई, तुम कल भी चूतिए थे, आज भी चूतिए, और अगर ऊपर वाले के रहमो करम बने रहे ना तो तुम्हारी ये लेगेसी ऐसी चलती रहेगी। ये तो शुक्र है मुझे इतने कमाल का नुस्खा मिला जिससे मेरे 4 दिन में ही सारे रिंकल्स गायब। वो नुस्खा मैंने एक 40 साल के अंकल को बताया, और जब उस अंकल ने वो नुस्खा अपने चेहरे पे अप्लाई किया तो 4 दिन में उसके भी सारे रिंकल्स गायब। पता है गांडू और गांड में क्या फर्क होता है? गांड इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उस पे स्किन टिप्स नहीं दे सकती। ये डार्क सर्कल्स हटाने हैं, अभी के अभी रिजल्ट मिल जाएगा। भाई साहब आए अपने डार्क सर्कल और डल स्किन लेके मेरे भाई, चाइना का अपना फोन बेच के ना एक डेस्कटॉप खरीद, उसके ऊपर एडोब फोटोशॉप लाइसेंस्ड ऐप डाउनलोड कर और वहाँ पे एडिटिंग करनी सीख, वहाँ से थोड़ी रियल लगेगी तेरी एडिटिंग। नहीं तो तेरी सस्ती एडिटिंग पाकिस्तानी के ऑडियंस को रियल लग सकती है, पर भाई इंडिया ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका, हमारे मुल्क में ऐसी एडिटिंग पकड़ लेते हैं। पहले मेरे दांत इतने पीले हुआ करते थे, जितना मर्जी घिस लो ब्रश को। मेरे भी एक बार दांत में कीड़ा लगा था, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, बहुत पैसे भी लगे, डॉक्टर के यहाँ भी 3-4 चक्कर लगाने पड़े, पर आज मैं फाइनली खुश हूँ कि मेरे तो चलो सिर्फ दांत में ही कीड़ा था, लोगों की तो आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नोज भेज दी। अच्छा भाई, ये कौन सा मीटर है आपके पास जो फोटो देख के सीधा उसका धर्म पता लगा लेता है? मुझे भी चाहिए। नहीं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हिंदू लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन अच्छा मतलब एक ही कम्युनिटी की लड़कियां नोज भेज सकती है। तुम्हें खुद भरोसा नहीं हुआ अपनी किस्मत पे कि दूसरी कम्युनिटी की लड़की से तुम्हें कैसे आ गए? अगर मेरी ये वीडियो कोई इंडिया से देख रहा है तो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इंडिया में एक लड़की मेरी 4 साल से दोस्त है, और करीब 2 साल पहले उसकी एक हिंदू फैमिली में शादी हुई। 1 साल तक दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनमें बहुत से झगड़े होने लगे, और उस लड़की का जो शोहर है, पति है, वो उस पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस शोहर ने उस लड़की को मेंटली और फिजिकली तरीके से अब्यूज किया, और इतना ही नहीं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ मैं बताना भी नहीं चाहता क्या क्या किया। लेकिन यार इंटरनेट के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी औरतों पे उनके शोहर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। पहले यार घर पे मम्मी को ही बचा लो अपनी, उसके बाद ही दूसरे देश की औरतों को टिप्स देना। वैसे हर वीडियो में हिंदुस्तान और हिंदू बोलने पे इतना फोकस दिया जा रहा है, भाई साहब ये खुद अपने मन से कर रहे हो या आप भी प्लांटेड हो? इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान की लड़कियों को एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना चाहता हूँ। आज मुझे इंडिया से एक हिंदू लड़के का मैसेज आया, भाई 4 साल से मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे के किसी और से शादी कर ली। मेरे पास उस लड़की की कुछ अश्लील ऐसा कुछ अल्फाज लिखा था उसने, जिसका मतलब है नेकेड पिक्चर्स है मेरे पास। वो आज उन तस्वीरों को पब्लिक करने लगा था। फिर मैंने उसे समझाया, देख यार अगर तूने ऐसा किया तो उस लड़की की इज्जत हो जाएगी। थैंक यू भाई, अगर तुम ना होते तो इंडियन यूथ तो बर्बाद ही हो जाता, हिंदुस्तानी लड़कियों की इज्जत हवा में उछल जाती, हिंदुस्तानी लड़के तो होते ही बहुत खराब है। भाई मुझे तुम्हारी वीडियो के पीछे का मोटिव बिल्कुल समझ नहीं आता, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कब आपने इनडायरेक्टली इंडिया की डिसरेस्पेक्ट की। आप इतने अच्छे इंसान हो, लोगों की बॉडी शेम करके, रेसिज्म फैला के, जो शिक्षा देते हो आप, जो एजुकेट कर रहे हो यूथ को, भाई मेरी आंख भर आई यार। चिड़िया मुंबई से इस लड़की ने मुझे अपनी ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि अगर वो कहानी मैं आपको सुनाऊं तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। भाई आपका एक्सेंट सुन के इंडिया में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, बट इंडिया में कानों के डॉक्टर्स के क्लियरिंग बहुत अच्छे चलने लगे। मुझे लग रहा है तुम पाकिस्तान में भी सबसे पिछड़े इलाके से हो, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस की भी बहुत कमी है। तुम्हें देख के सच में मुझे वो याद आता है, बसों में जब चढ़ते ना पोस्टर लगे रहते हैं बाबा हकीम रब्बानी, उसको किसी ने इंस्टाग्राम अकाउंट खुलवा दिया हो। यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया? मुझे आज एक लड़की का मैसेज आया जो कि इंडिया से, मैं देखकर शॉक्ड हो गया। काफी खूबसूरत शक्ल की लड़की थी वो, लेकिन बातें उसकी इतनी वाहियात और इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अच्छा भाई, पूरा इंडिया छोड़ के उसे आप जैसा हुरका पराई मिला है, 130 करोड़ भारतीय छोड़ के वो ऐसे लड़के से वाहियात बातें कर रही है जो अपनी छत पे बनियान में खड़ा होकर 3 लाइटें 5 फिल्टर लगा के स्किन पे टिप्स देता है। आई जस्ट लव योर ऑडेसिटी ब्रो। तुमसे ज्यादा फैन फॉलोइंग ना पाकिस्तान में हमारे पुनीत सुपरस्टार की होगी। वैसे यार थोड़ी टिप्स अपने भी मुल्क में दे दो यार, अकेला अकेला बंदा वहाँ मोहल्ला पैदा कर रहा है पूरा, वो भी 60 साल की उम्र में, या वहाँ पे दिमाग की तरह स्मार्टफोन ही बस लिमिटेड लोगों पे ही है। आज मेरे एक हिंदू बेस्ट फ्रेंड ने गलती से एक लड़की को टच कर लिया, इतने में साथ खड़े मेरे दोस्त कहने लगे अरे ये तो है ही ऐसे,
बालकृष्ण की रामायण में वो रावण माँ सीता को नहीं उठा के ले आया? और पता नहीं रावण और माँ सीता के दरमियान क्या क्या हुआ होगा। एंड दिस कंटेंट इज अलाउड ऑन इंस्टाग्राम, ये खुलेआम पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे ये सब। बेसिकली ये हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाता है, ये हिंदू लड़कियों को कैरेक्टरलेस बोलता है, ये हिंदू लड़कों को चीप बोलता है, मतलब टोटली इन सब चीजों को पहले विलेन दिखाता है और फिर वीडियो के सेकंड हाफ में बोलता है कि मैं इन सब में भरोसा नहीं करता। मतलब फिर ऐसे स्टोरी में ट्विस्ट लाता है कि ये सब दूसरे बोल रहे थे और मैं ऐसे बोलने वालों के खिलाफ हूँ, मैं बहुत समझदार सज्जन बहुत सुलझा हुआ इंटेलेक्चुअल इंसान हूँ इंटरनेट पे। पहले अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल लो, पूरा जहर उगल दो, उसके बाद अपने आप को बहुत होशियार इंसान दिखा दो। और ये रियलिटी है मोस्ट ऑफ अवर नेबर्स की, हाउ मच दे लव अस फॉर गॉड और कल्चर, और ये सब काम ये इंटरनेट पे खुलेआम कर रहा है एंड नोबडी इज रिपोर्टिंग इन। दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। दिल्ली की एक शादीशुदा लड़की को इससे प्यार हो गया, इससे। वैसे भाई इंडिया में सिर्फ दो चार जगह ही नहीं है, दिल्ली विल्ली कोलकाता अहमदाबाद और भी बहुत सारी जगह, लेकिन जितने तुझे पता है तू अपने सारे अफेयर इंडिया में वहीं से ही बता देता है। और उनके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो उन्होंने सब बता देने लगी। मैं अपने माँ बाप को अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान आ रही हूँ, मेरे पास विजिटर वीजा। ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, किसी शादीशुदा लड़की के कितने भी कर्म फूट गए हूँ पर इतने कभी नहीं फूटेंगे कि वो पाकिस्तान का वीजा लगवा के एक फिल्टर की दुकान से मिलने जाए वहाँ। वैसे जो दिल्ली वाली लड़की थी शादीशुदा, उससे उसका एड्रेस ले लियो एक बार, एनी स्ट्रीट एड्रेस दिल्ली के अंदर का, वो वैसे तुझे मिलेगा नहीं, बताएगी नहीं, क्योंकि गूगल पे सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना। पहले इस लड़की के बाल लड़कों से भी ज्यादा छोटे थे, फिर मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया कि 10 दिन में ये रिजल्ट था। यस ब्रो, आपकी बियर्ड तो जीता जागता एग्जांपल है कि आपके नुस्खे कितने कामयाब हैं, आप खुद अपने ऊपर कितने नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हो। पहले चल जा अपने बालों में से डैंड्रफ निकाल के। प्यार से ये भाई साहब मेरे पास रोते हुए आए और कहने लगे, बबुआ ये देखो ना तंबाकू खाई के हमार दांतवा का क्या हाल हुई, गवा कीड़ा कूड़ा भी लग गया है। पाकिस्तान में हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करें या ना करें, बट हमें फ्री में निरोध वहां पे जरूर एक्सपोर्ट करना चाहिए, वरना मृदुल मदोक को भी नहीं पता होगा कि उसकी कितनी गलतियां पाकिस्तान में बड़ी हो चुकी हैं और अब सैयद अजान के नाम से वहां पे इंस्टाग्राम चला रही हैं। और भाई का इतना प्यारा इतना भाईचारे वाला कंटेंट सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही नहीं यूट्यूब पे भी है। अनपढ़ गवार हिंदू मिल गया, आज एक अनपढ़ गवार हिंदू मिल गया मुझे, गिरा वो और इतनी नीच सोच थी उसकी। भाई को एक अनपढ़ गवार इंसान नहीं मिला, ना अनपढ़ गवार आदमी मिला, एक अनपढ़ गवार हिंदू मिला। अब पता नहीं यार यूट्यूब की हेट स्पीच वाली गाइडलाइंस कहां गई, ना किसी को ये दिख रहा, ना कोई इसके अगेंस्ट बोल रहा कोई चीज, और ये बंदा हमेशा ऐसे ही हेटफुल कॉन्टेंट बनाता है और वीडियो के सेकंड हाफ में जाके डिप्लोमेटिक बातें कर देता है टू लुक इंटेलेक्चुअल न्यूट्रल। मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया, वो मुझे कहने लगी कि मैं एक मुसलमान लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उस लड़के के लिए मैं हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ भाई बहुत ही अच्छी कहानी है। इंसान को सस्ती फेम के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, पहले बेचारा पूरे दिन कम्युनल स्क्रिप्ट लिखता है, उसके बाद सबके सो जाने के बाद आधी रात को छत पे चढ़ के बनियान में वीडियोस बनाता है, क्योंकि इसको भी पता है अगर इसकी फिक्शनल स्टोरी किसी ने आसपास सुन ली तो इसका चैनल अभी तक चला भी नहीं अच्छे से, उसकी फेयरवेल हो जाएगी पहले ही। क्या क्या करना पड़ता है यार इस पापी पेट के लिए भैया, इकोनॉमिक क्राइसिस तो कहीं ना लाए भगवान किसी देश में। सो गाइस ये वीडियो बेसिकली ना एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए, एस्पायरिंग इंस्टाग्रामर्स के लिए, कि भैया फेम पाने के लिए आपको क्या नहीं बनना, बाकी कुछ भी बन जाना। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आप अगर चाहो तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे @lakshya फॉलो कर सकते हो, हमारा ब्लॉग चैनल का लिंक भी तुम्हें नीचे मिल जाएगा, पहले देखो मजे करो उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। बहुत ही शॉकिंग वीडियो था, खासकर जिस तरह से मैं हम लोग तो रिएक्शंस वालों को देख के उन पे इतना अपसेट होते हैं और इतना गुस्सा आता है कि हमारी इंडियन पब्लिक ऐसी है जो उन रिएक्शन वालों को देखती है। और दो तरह के रिएक्शन वाले होते हैं, एक होते हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने वाले वीडियोस करेंगे पाकिस्तानी होके और उसमें दिखाएंगे हाँ यार पाकिस्तान वाकई बुरा हाल हो रहा है, इंडिया कितना अच्छा कर रहा है, और अपने अपनी ही बेस्तियों पे हंसेंगे। एक वो वाले हैं जो उल्लू बनाते हैं। दूसरे ऐसे हैं रिएक्शन वाले कि वो उस टाइप की वीडियोस नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, पर वो वीडियोस करेंगे जिसमें इंडिया की जो अच्छा इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये डेवलपमेंट हो रही है, वो कि मतलब दोनों का काम है इंडिया की जय जयकार करके इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करो, उनको उल्लू बनाओ। और इसमें तो एक और नमू दिख गया भैया कि इस टाइप के भी होते हैं जो वही कह रहे हैं ना कि पहले तो वो बेइज्जती कर देंगे और उसके बाद बेइज्जती करने के बाद बोलेंगे कि मैं तो ये नहीं सोचता हूँ, पूरी बेइज्जती तो कर दी। कई रिएक्शन चैनल ये भी तो करते हैं इंटरव्यूज जो देखिए, मेरे को ये समझ नहीं आया कि काफ़ी सारे इंडियंस को रिपोर्ट करना चाहिए और उनको हटवाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे इंडियंस है, आप रिपोर्ट करिए और रिपोर्ट करने के बाद जो है बोलिए कि आपने पॉलिसी ब्रेक की है और उसको हटवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये तो बहुत ही इतने सारे इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे देख रहे हैं, तो
अभी तक तो कुछ हो जाना चाहिए, कोई ना कोई रिपोर्ट कर करके कोई एक्शन लेके होना चाहिए, जो कि यूट्यूब के गाइडलाइंस को क्लियरली ब्रेक किया है जो भी चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक इन्होंने अच्छा पॉइंट किया है कि ऐसे यूट्यूबर्स को हटाना चाहिए, और स्पेशली उनका गेम यही है कि इंडिया के लोग देखें। बिल्कुल, सारा गेम सारे पाकिस्तान का एक ही गेम है, आप कुछ भी करिए, इंडिया के लोग आए जिनसे पैसा जनरेट हो, और इंडिया के लोग जा रहे हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, हमारे समझ के बाहर है और इनके समझ के भी बाहर है, वो भी हैरान है, हम भी, बट ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, जो उन्होंने ऐसे लोगों को एटलीस्ट इसको एक्सपोज करने की कोशिश तो की, अवेयरनेस तो ला रहे हैं, हमने भी बड़ी कोशिश की है, ये भी कोशिश कर रहे हैं, अब ये तो आम पब्लिक जो इंडिया की है, जो वहाँ जा रही है, उसको समझना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।